कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपका किस तरीके का शेड्यूल होता था? जैसे आपने बताया कि सैमसंग से आपने रिजाइन कर दिया, किस तरीके का शेड्यूल, किस तरीके का टाइम टेबल आप फॉलो करते थे और प्लान किस तरीके से किया आपने? जैसे पहले अटेम्प्ट में किस तरीके से आपने प्लान किया और जब आप सेकंड अटेम्प्ट में आ गए तो आपने मोर ऑर लेस यू नो एज फार एज द कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर इज कंसर्न आपकी तैयारी काफी कुछ हो गई होगी, फिर उसको पहली बार की प्लानिंग और दूसरी बार की प्लानिंग में क्या फर्क रहता है? ओवरऑल तैयारी को किस तरीके से प्लान हम कर सकते हैं? सर, इनिशियल स्टेज पर तो सिलेबस इतना ओवरवेलमिंग है कि उसी को डिसेक्ट करने में, कौन से सोर्सेज पढ़ने में, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो स्टडी प्लान, आई मेड दैट फर्स्ट आई विल स्टडी एनसीईआरटीज एंड विद दैट बेसिक बुक्स, देन आई विल मूव टू द स्टैंडर्ड बुक्स। ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने के बाद व्हेन आई विल बी कंफर्टेबल इन दैट सब्जेक्ट, आई विल मूव द हायर ऑर्डर ऑफ बुक्स की अच्छा मैं आई विल स्टडी करंट अफेयर्स, आई विल राइट सम आंसर्स। सो दिस वॉज माई वे ऑफ प्रिपरेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। इन द सेकेंड अटेम्प्ट द लार्ज ऑब्जेक्टिव वॉज टू यू नो प्रैक्टिस आंसर राइटिंग एंड अंडरस्टैंड वॉट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल्सो आई वॉज समवेयर यू नो समवेयर नॉट, आई डिड नॉट अप्रिशिएट द नेचर ऑफ दिस जॉब, दिस सर्विस, बिकॉज इन द फर्स्ट इंटरव्यू they were asking me questions on IAS and मेरे पास इतना thought मैंने दिया ही नहीं था कभी कि IAS का क्या काम होता है, क्या काम सिविल सर्वेंट्स का होता है। तो इस बार अटेम्प्ट में कोशिश वही था कि प्रोसेस पे फोकस करना, अपने आप को सूटेबल कैंडिडेट बनाना, तो वो आंसर्स में रिफ्लेक्ट भी करने की मैं कोशिश करता था, थॉट प्रोसेस लाया, फिर उसका सेकंड स्टेज था कि आंसर्स में रिफ्लेक्ट करूं। इस बार तो यही कोशिश करी। व्हाट हाउ आई इंटरप्रेट इट इज दैट टू रियली बिकम एन IAS ऑफिसर और टू रियली क्रैक अ UPSC एग्जाम यू हैव टू बिकम एन IAS ऑफिसर, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन IAS ऑफिसर, यू हैव टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन IAS ऑफिसर एंड ओनली देन प्रॉब्ली यू नो इट विल स्टार्ट reflecting in what you write in your essay writing and what you communicate or how you respond to what are the different kind of questions which are being asked to you in the interview. So, वाकई में success achieve करने से पहले आपको उस तरीके से कम behave करना और सोचना तो शुरू कर ही देना है। मैं फिर से वापस उसी focused question पे आता हूँ, जैसे आपने कहा और हम सभी जानते हैं कि you know it is a never ending syllabus. तो जब हम पहली बार किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फोकस रहता है कि सिलेबस किसी तरीके से कवर हो जाए, तो पहली बार और दूसरी बार की तैयारी में क्या फर्क था? प्लान में उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रहा हूं। दूसरी चीज मैं खासतौर से यह भी जानना चाहूंगा कि चूंकि आपने जॉब नहीं कर रहे थे और ड्रॉप कर दिया था, तो ओवरऑल दिन का शेड्यूल क्या रहता था, मतलब किस तरीके से पूरा दिन का टाइम टेबल रहता था? व्हाट इज द काइंड ऑफ हार्ड वर्क, व्हाट इज द काइंड ऑफ यू नो टॉयलेट रिक्वायर्स फॉर यू टू डू ऑन डे टू डे बेसिस? सर, प्लानिंग और फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में डिफरेंस यही था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेबस कवर करने का ही ऑब्जेक्टिव रहता था, कहीं से नोट्स बना लूँ और कहीं से उनको याद कर लूँ। सेकेंड अटेम्प्ट में ये था कि जनरल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी आ गई थी, थोड़ा टाइम हो गया था चीज़ें पढ़ते पढ़ते, तो इस बार कोशिश ये थी कि उनको अप्लाई करूँ और अपनी सोच को डेवलप करूँ और अच्छे तरीके से आंसर्स लिखूँ।